हेलो एवरीवन, सी प्लस प्लस एसटीएल की सीरीज में आज हम लोग एल्गोरिथम्स डिस्कस करेंगे। और एल्गोरिथम्स एक कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं या कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो प्री डिफाइंड है और कॉम्पिटेटिव कोडिंग में हमारी ये बड़ी हेल्प करने वाले। तो आइए हम लोग छोटे छोटे फंक्शंस देखते हैं जो कि प्री बिल्ड फंक्शन है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे आईओ स्ट्रीम इंक्लूड कराया एंड देन इसके बाद एल्गोरिथम इंक्लूड करा लिया। इसके बाद फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर नेम, दीज आर सम ऑफ द फॉर्मेलिटीज दैट वी शुड बी डूइंग एंड रिटर्न जीरो। नाउ मान लीजिए कि हमें सबसे पहला फंक्शन सॉर्ट देखना है। सॉर्ट फंक्शन आप सिंपली बहुत ही यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली, इसीलिए मैं सबसे पहले सॉर्ट फंक्शन बता रहा हूँ। सॉर्ट फंक्शन को यूज करने के लिए आपको एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक वेक्टर को भी इंक्लूड करा देते हैं। तो वेक्टर में हमने एक इंटीजर टाइप का एक वेक्टर बनाया, लेट्स से उस वेक्टर का नाम वी है और इसमें हमने पुश कर दिया आइटम पुशबैक का यूज किया हमने और इसमें लेट्स हमने आइटम डाल दिया 10। रैंडमली या रैंडम ऑर्डर में हम इसमें एलिमेंट्स डाल देते हैं 6, 2, 3, 14, 7, 1 एंड 4 एंड देन इसके बाद हम इसमें सॉर्ट फंक्शन लगाते हैं। सॉर्ट फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, वी डॉट बिगिन का यूज करना है, बिगिन से लेके और वी डॉट एंड का यूज करना है। एंड तक सभी एलिमेंट्स को आपको सॉर्ट कर दीजिए। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें एक आइटरेटर लगा के इसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं और आई इन बी सी आउट आई स्पेस लगा देते हैं जिससे कि डिस्प्ले होता रहे सही सही है। तो आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स हमारे सॉर्ट हो गए। तो हम एक काम करते हैं कि पहले एलिमेंट सॉर्ट से पहले डिस्प्ले करते हैं एंड देन सॉर्ट के बाद डिस्प्ले करते हैं। इससे हम एक डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि सॉर्टिंग के पहले हमारा एलिमेंट्स क्या थे और सॉर्टिंग के बाद क्या हुआ। तो यू कैन सी दैट सॉर्टिंग से पहले एलिमेंट से 10, 6, 2, 3, 14, 7 एंड 1, 4 और सॉर्टिंग के बाद हमारे एलिमेंट्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 एंड 14। क्योंकि हमारी सॉर्टिंग हो गई तो इससे हम इसमें सॉर्टेड डेटा पे हम बाइनरी सर्च भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए एक काम करते हैं, हम बाइनरी सर्च फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बाइनरी सर्च हमने फंक्शन परफॉर्म किया, इसमें हमने वी डॉट बिगिन डाल दिया और वी डॉट एंड डाल दिया एंड देन उसके बाद इसमें एक आइटम सर्च करते हैं, लेट्स सेम 7 को सर्च करने की कोशिश करते हैं। सो जो भी ये रिजल्ट दे रहा है उसको मान लीजिए हम डिस्प्ले कर देते हैं। ये आपको पता होगा कि जो बाइनरी सर्च आप परफॉर्म करते हैं वो हमेशा सॉर्टेड एरे पे आप परफॉर्म करते हैं। तो 3 पैरामीटर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बाइनरी सर्च में। पहला है वी डॉट बिगिन, दूसरा है वी डॉट एंड और फिर डेटा आइटम जिसको आपको सर्च करना चाहते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि 1 का मतलब ये है कि ये जो डेटा आइटम हमारा है वो प्रेजेंट है इस एरे में या इस वेक्टर में। इसके बाद कुछ छोटे छोटे फंक्शंस देखते हैं, बहुत ही छोटे छोटे फंक्शंस। जैसे मान लीजिए कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम टाइम, एक मान लेते हैं कि हमारे पास 2 डेटा आइटम ए और बी और आपको इसमें आपने कुछ एक डेटा आइटम डाल दिया। जैसे आपने ए में डेटा आइटम डाल दिया 10 और बी में डेटा आइटम डाल दिया 25। तो ए और बी में हमारा बी मैक्सिमम है तो हमारा बी प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने मैक्स फंक्शन का यूज़ किया और इसमें 2 वैल्यूज पास कर दिया ए और बी और जो भी इसमें मैक्सिमम होगा वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। एंड लगा देते हैं, देन छोटा सा
डिस्क्रिप्टर लगा देते हैं यहाँ पे, जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि प्लीज इस आउटकम और इस आउटकम में क्या डिफरेंस है। तो हमने मैक्स फंक्शन का यूज़ किया है यहाँ। तो आप चेक कर सकते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू इज 25, ऑब्वियसली द मैक्सिमम वैल्यू इज 25। सिमिलरली आप एक और फंक्शन लगा सकते हैं मिनिमम का। तो मिनिमम फंक्शन में जो पैरामीटर्स आपके हैं, वो आपने दो पैरामीटर्स पास किया और जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो ये रिटर्न कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि 10 और 25 में मिनिमम आपका 10। छोटे छोटे और काम करते हैं, जैसे हम स्वैप करते हैं, और स्वैप करने के बाद डिस्प्ले करते हैं ए और बी को। तो स्वैपिंग से पहले ए बी को डिस्प्ले कर लेते हैं और स्वैपिंग के बाद ए बी को डिस्प्ले कर लेते हैं। तो यू कैन सी कि स्वैपिंग से पहले जो डेटा आइटम थे 10 25 थे, प्यूरीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा और एंडर लगा देते हैं। तो यस यू कैन सी दैट कि बिफोर स्वैपिंग 10 25 डेटा आइटम था और स्वैपिंग के बाद ये हमारा 25 10 हो गया। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम छोटे छोटे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है और उसमें आप डेटा आइटम को रिवर्स करना चाहते हैं, तो हम एक काम करते हैं कि इनको डिसेबल कर देते हैं बाकी चीज़ों को और केवल अपने वेक्टर वाले पार्ट को रिटेन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा आइटम हमने लिए थे, पुश बैक कराया था, फिर डिस्प्ले कराया था, फिर सॉर्ट किया था, और सॉर्ट करने के बाद फिर से डिस्प्ले कराया। अब हम एक काम करते हैं कि इतना करने के बाद हमें रिवर्स कराते हैं इसी वेक्टर को। तो अगर हमें रिवर्स कराना है तो आपको फिर से वी डॉट बिगिन लेना है, देन वी डॉट एंड लेना है, और ये डेटा आइटम्स को रिवर्स कर देगा। और रिवर्स करने के बाद आप एक बार फिर से आइटम को प्रिंट करके देख लीजिए। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं कि पहले हमारा जो ओरिजिनल वेक्टर था वो 10 6 2 3 14 7 1 4 था। जब हमने इसको सॉर्ट किया तो 1 से लेके 14 तक सॉर्टेड आया, और जब हमने रिवर्स किया तो ये रिवर्स सॉर्ट हो गया। तो रिवर्स किसी भी तरह के एरे का हम रिवर्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम केवल सॉर्टेड एरे का ही रिवर्स कर सकते हैं, बल्कि किसी भी एरे को हम रिवर्स कर सकते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए चलिए मैं यहाँ से कोड हटा के और जहाँ पे हमारा ओरिजिनल एरे था वहाँ पे हम इसको लिख आते हैं। पहले हम इसको रिवर्स करते हैं एंड देन सॉर्ट कर लेंगे। तो ओके, यू कैन सी कि पहले हमारा जो वेक्टर था वो 10 6 2 3 14 7 1 4 था, और जब हमने इसको रिवर्स कर दिया तो ये 4 1 7 14 3 2 6 10। फिर हमने इसको सॉर्ट कर दिया। इस तरह से बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। अभी तक के लिए सफिशिएंट है, और कॉम्पिटेटिव कोडिंग में हम लगातार सीखते रहेंगे कि हम एल्गोरिथम से कौन कौन से फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।